मॉर्निंग, गेस कीजिए हम कहाँ हैं फिलहाल। सो यस, आपको हमारा अड्डा पीछे तो नाम दिख ही गया होगा, अब तक हमारा बहुत फेवरेट अड्डे पे हैं हम, और आज हम जा रहे हैं एक अमेजिंग से प्लेस पे वन डे ट्रिप के लिए। आपने ये जगह आई एम श्योर बहुत कम व्लॉग्स में देखी होंगी, इनफैक्ट मैंने सर्च भी किया था उतना ज़्यादा मुझे दिखा नहीं था, तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर इट आउट। बहुत ब्यूटीफुल सा एक लोकेशन है तमिलनाडु में ही, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे। बैंगलोर से कुछ 130 किलोमीटर्स की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे रुकने का दो रीज़न है, आपको पता है मेरा स्वीट पोंगल कितना फेवरेट है तो वो हमने पार्सल करा लिया है, कुछ पेड़ा वगैरह ले लिया है, एक क्विक वॉशरूम का ब्रेक वगैरह ले लिया है। अब चलिए फटाफट यहाँ से निकलेंगे। हम घर से कुछ निकले थे सुबह 9:30 के आसपास, नाश्ता वगैरह करके निकले थे, एंड देन वी हैव जस्ट रीच हियर। कुछ 90 किलोमीटर्स पे ये हमारे घर से फॉल करता है, सो यस वी आर हियर। अमेजिंग से रास्ते से होते हुए हम आए हैं अब तक, और चलिए आगे की जर्नी के लिए प्रोसीड करते हैं। हेलो मिस्टर डीके। हेलो एवरीवन। और आज कहाँ ले जा रहे हो घुमाने के लिए? आज ऐसा जगह चल रहे हैं जो अपने एक तो घर के रास्ते में है, बट जगह बहुत ही बढ़िया है, और वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार विजिटिंग प्लेसेस हैं, और चारों चार तरह के हैं, डिफरेंट डिफरेंट, यूनिक यूनिक। हाँ, यूनिक यूनिक। तो जैसा सोच के जा रहे हो वैसा हो जाए तो मजा आ जाएगा वहाँ पे। एंड जस्ट एट 120 किलोमीटर राइट, और 140 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट। ओके ठीक है, सुर रोड में। और अपना फेवरेट अड्डा से ले लिए जो जो लेना था। यहाँ आए और यहाँ से ना कुछ ले तो ऐसा ऐसा हो नहीं सकता है। नहीं वही वही वही। ठीक है चलिए चलते हैं, लेट्स। You got the white knuckles holding on a tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision. ये रहा चेन्नई वाला टर्न हम लेने वाले हैं, और चेन्नई के लिए जो आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा ना, ये होसुर वाला फ्लाईओवर से आपको जिधर वो बस जा रही है, तो हम भी उधर ही जाएंगे। Hi Vivan. What you have? Yeah. Oh, is it? Breathe out. Look at the colors, colors, colors. Near. Cream. Cream. Vivan, नारियल पानी पिएगा? I want that. कैसा है नारियल पानी? मस्त है, काफी मीठा लग रहा है ना? बहुत वे वे। और मलाई वाला लिया है तो थोड़ा हम लोग का स्नैक्स भी हो जाएगा। ये क्रीम वो नहीं नहीं पीता। नहीं पिएगा। ये वाला। लो लो लो। वानियम प्लाजा। और आइए चलिए, आपको टाइम है एक टेम्पररी हम लोगों का जुगाड़ दिखाने का। ये देखिए मिस्टर डीके टेम्पररी जुगाड़ लगाए हैं, पेटीएम का तो अब टैग हटाना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली, एंड यही है बस, स्कैन हो जाए होपफुली। हुआ? अरे वाह। टेम्पररी जुगाड़ वर्क कर रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, पेटीएम का तो फास्टैग और चलेगा नहीं, और शायद 15 मार्च तक का इन्होंने एक्सटेंशन दिया है, उस समय तक वॉलेट का जो भी है सारा सेटल कर लेना होगा। ने हटा दिया है, और जो हमारा मतलब प्रॉपर बैंकिंग पार्टनर है ICICI, उससे ही हमने इशू करवा लिया है एक फास्टैग, अब डायरेक्टली अपने अकाउंट से ही डेबिट हो जाया करेगा, बस उसको स्टिक नहीं कर पाए हैं। और देखिए यहाँ पे ये अभी जगह ऐसे ये कुछ किया हुआ स्क्रैच्ड है, सो इसको अच्छे से फिक्स करवा लेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम लोग रन कर रहे हैं टेम्पररी जुगाड़ पे, है ना, ये हमारा बंदोबस्त है आज के लिए। क्या रोड है यार ये चेन्नई के टूवर्ड्स जाने वाले, इट्स अमेजिंग, अच्छे रोड्स हैं। सो ये हम सर्विस रोड का ब्रेक थ्रू है, देखिए हमने ले लिया, और
फ्लाईओवर नहीं भी छोड़िएगा तो चलेगा, क्योंकि देखिए जैसे फ्लाईओवर यहाँ पे एंड हो रहा है तो आराम से वहां पे उतरने के बाद देखिए अभी भी 450 मीटर्स पे हमें लेफ्ट लेना है और बगल में ये फ्लाईओवर ऑलरेडी यहाँ पे आके एक शायद से मोस्टली ब्रेक थ्रू उसके पास में मिलना चाहिए, है ना। ये देखिए यहाँ पे वो ब्रेक थ्रू है, अगर आप फ्लाईओवर से आओगे तो इस ब्रेक थ्रू को भी ले सकते हो। और अब हम लोगों को नीचे से फ्लाईओवर के नीचे से अंडर पास से राइट टर्न ले करके जाना है टुवर्ड्स दैट हिल्स। बड़ा खूबसूरत सा उधर नजारा है, देखिए वैलीज दिख रहे हैं और इट्स अमेजिंग। AFC हो गया, A2B हो गया, इस रूट में काफी कुछ दिख रहे थे। यहाँ पे देखिए एक लाइन से डिसेंट बेकरी और कुछ कुछ होटल्स भी हैं और आगे से वहां पे देखिए यहाँ पे अंडर पास भी दिख रहा है हमें, जहां से हमें फाइनली 80 मीटर्स पे राइट टर्न लेना है। देखिए गाड़ियां जा रही हैं उधर, है ना। सो आई थिंक स्ट्रेट आप जाओगे तो चेन्नई पहुंच जाओगे, तो हमारा तो कट आ गया है और अब हम चल रहे हैं, है ना। वाओ सामने वैली दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। पेरूम मालपेट करके ये जगह है जहां से हम निकल रहे हैं। You're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone. बड़े सुंदर सुंदर इस रूट में मंदिर दिख रहे हैं। ये देखिए ये भी माँ आदि शक्ति का बहुत प्यारा सा सुंदर सा मंदिर है। अभी तो बंद होगा लेकिन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और उधर विष्णु भगवान का एक बहुत सुंदर सा प्रतिमा दिखा मंदिर के बाहर ही। यहाँ मंदिर तमिलनाडु में एक से एक बहुत सुंदर सुंदर देखने को मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हर हर महादेव, ये महादेव माता का मंदिर क्या अलंगायम करके ये जगह का नाम है जो मार्केट हम क्रॉस कर रहे हैं। और ये एक छोटा सा, मतलब ज्यादा ओवरक्राउडेड तो नहीं दिखा, वो छोटा सा मार्केट है और वो हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं कहाँ बता दे फाइनली मिस्टर डीके। बता दे। So, इस जगह का नाम है जवाधु हिल्स और एक छोटा सा प्यारा सा हिल स्टेशन है, जैसा कि आप पकड़ लो तमिलनाडु में लास्ट टाइम मैंने आपको येल्लागिरी दिखाया, आंध्रा में आपको मैंने दिखाया हॉर्सले हिल्स, तो उस तरह का एक जवाधु हिल्स करके है। हाँ ओके एक मिनट रुक जाओ, तो हम फटाफट यहाँ पहुंचेंगे और एक दिन का ही ये ड्राइव है हमारा और यहाँ 3 से 4 बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे जवाधु हिल्स पे और फिर यहाँ से आज ही के दिन रिटर्न हो जाएंगे, है ना। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रूट और कैसा है, क्या ऑप्शन है, ट्रीज वगैरह के मैं शेयर करूंगी। फिलहाल ड्राइव तो आप देख ही सकते हो क्या अमेजिंग जा रहा है और ऑब्जर्वेटरी का तो दिखाई देने लगा है मुझे, ऑलरेडी 10 किलोमीटर पे दिखा रहा है कि ऑब्जर्वेटरी आ जाएगा, है ना। जहाँ पे कुछ है नहीं लगता, है ना, चेक पोस्ट का बस डाल के रखे। सो ये एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट हम क्रॉस किए हैं लेकिन यहाँ चेक पोस्ट पे कोई चेक करने के लिए थे नहीं। तो आप देख सकते हो ये ड्राइव बहुत ब्यूटीफुल जा रही है हमारी, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है इस रास्ते पे और रोड अच्छा बना हुआ है एंड वही है, थोड़ी पतली है, नैरो सी रोड बनी हुई है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो थोड़ा केयरफुली आपको ड्राइव करने का यहाँ पे जरूरत है ना। बड़ा अच्छा सा ना 7 किलोमीटर पहले ही ऑब्जर्वेटरी के ये हमें मिल गया है। ये कैफे काइंड ऑफ सेटअप है और कुछ अमेजिंग सा है। अभी टाइम ऑलमोस्ट 1:30 होने को है, है ना। नाश्ता हम सुबह जल्दी कर लिए थे 9:00, सो विवान का तो हमने पैक कर लिया था एज यूजुअल। हम दोनों अभी यहाँ पे खा लेंगे और फिर आगे की जर्नी के लिए आपको ले चलते हैं।
हाँ ये मेरा वेज मील्स, थैंक यू। ये देखिए वेज मील्स है और हाँ। लगता है भिंडी विंडी है क्या, मजा हाँ। आ रहा है देख करके। वेरी टेस्टी फूड एंड मंचूरिया तो मंचूरिया है पनीर का। प्लेस इज अमेजिंग एंड हाईली रिकमेंडेड। अगर आपको मील्स वगैरह करना है ये ड्राइव इज ऑल्सो वर्थ इट। एंड इतना अच्छा सा कोना पे एक सेटअप है ये, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो। यहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ बहुत अमेजिंग था, वॉशरूम नीट एंड क्लीन था, आप जो चीज़ डिमांड करोगे वो आपको प्रिपेयर करके दे देंगे। एंड दैट वॉज द बेस्ट पार्ट और बहुत अनएक्सपेक्टेड था, हमें लगा था कोई रेस्टोरेंट भी नहीं मिलेगा लेकिन इट्स अमेजिंग एंड दे हैव सम कैंपिंग ऑप्शंस टू। सो हम कोशिश करेंगे अगर शूट कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इंफॉर्मेशन यहाँ नीचे आपके रेफरेंस के लिए डाल दूंगी। पहुंच चुके हैं यहाँ वाइनू बापू जो ऑब्जर्वेटरी है और ये बेसिकली जवादू हिल्स पे ही फॉल करता है। आइए चलिए देखते हैं इनके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर करने के लिए। और ये जगह भीड़ भाड़ से काफ़ी दूर है, थोड़ा फॉरेस्ट एरिया के बीच में है तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको मंकी वगैरह स्पॉट हो जाएंगे और कुछ यहाँ की जो क्राउड है वही आपको यहाँ आसपास देखने को मिलेगा। वॉक कर रही हूँ इस ऑब्जर्वेटरी वाले एरिया में, अंदर हम आ चुके हैं। आपको टिकट वगैरह का इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर देती हूँ क्या क्या चार्जेस है। और बाकी आप मेरे बैकड्रॉप पे देख सकते हैं चारों तरफ थोड़ा जंगल, थोड़ा क्या जंगल ही है और मस्त पिंक पिंक कलर के, ब्राइट पिंक कलर वाले बोगनविलिया हैं। ये अपने आप में एक अलग दुनिया है, भीड़ भाड़ से दूर एंड वॉट नॉट, इट्स वेरी ब्यूटिफुल हियर। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है ना एकदम नेसल्ड है ब्यूटीफुल से नेचर के बीच में है और आपको यहाँ वेटिंग स्पेस से लेकर वॉशरूम एवरीथिंग यू विल गेट। 2 किलोमीटर्स के लिए आपको वॉक करके मेन ऑब्जर्वेटरी तक पहुँचना पड़ता है और इस बीच में आपको बहुत सारे टेलीस्कोप को देखने का मौका मिलता है जो कि अलग अलग साइजेस की हैं। सो आई हैव रीच्ड एट दिस वाइनू बापू ऑब्जर्वेटरी और आइए चलिए आपको इसके अंदर का एक फील दूंगी कि कैसा है, कैसा है वो टेलीस्कोप। इन्होंने इससे पहले मतलब एशिया का ये लार्जेस्ट टेलीस्कोप हुआ करता था 2.6 मीटर्स का और अब जो है वो नैनीताल में एक सेकेंड नंबर पे जो सबसे एशिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है वहाँ पे है, सॉरी फर्स्ट लार्जेस्ट स्कोप जो है टेलीस्कोप वहाँ पे है, ये सेकेंड लार्जेस्ट हो गया है। फटाफट आपको इसके अंदर ले चलती हूँ, दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो हम वॉक करके फिलहाल जा रहे हैं टुवर्ड्स द वाइनू बापू टेलीस्कोप और यहाँ पे आते हो तो आपको 20 मिनट्स का एक प्रेजेंटेशन दिया जाता है जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सो इस टेलीस्कोप का उद्घाटन ना हमारे देन प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी ने ईयर जनवरी 1986 में किया था और ये इंडिया मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, पूरा का पूरा इसका पार्ट्स वगैरह जो भी यूज़ किया गया है इस टेलीस्कोप में ये इंडिया में ही बन के रेडी हुआ है। अपने आप में एक अलग ही दुनिया है ये और देखिए किस तरह ये बड़ा सा डोम क्लोज होता है, ओपन होता है, अपनी जगह बदलता है तो उसी का डेमोंस्ट्रेशन हमें दिया जा रहा है। तो वी
हैड एन अमेजिंग टाइम हियर एट द ऑब्जर्वेटरी, है ना। और यहाँ तो आना बनता है अगर आप इस जगह पे आते हो। बच्चे भी काफी एंजॉय करेंगे एंड इन्होंने कुछ एक फील दे दिया। टॉम के बारे में बता दो, कैसे वो पूरा घूमता है। हाँ, वो जो ऊपर में जो डोम बना हुआ है ना, वो पूरा 360 डिग्री घूमता है बाय द वे। और जिस एंगल में इन्हें स्काई को एक्सप्लोर करना रहता है ना, तो उस एंगल में एक सर्टेन ये के लिए डोम का दरवाजा भी ओपन हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में। काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताई यार इन्होंने गैलेक्सी के बारे में और चीजें, मतलब 15 मिनट्स के प्रेजेंटेशन में इट वॉज वेरी वेरी गुड। इट वॉज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो अगर मान लीजिए जैसे आप, मुझे भी कुछ ऐसा बहुत ज्यादा फिजिक्स और इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा प्लैनेट स्टार्स मून स्टार्स ये सब में इंटरेस्ट है, तो इसलिए आई थी एंड इट वॉज ऑल वर्थ इट। ट्रस्ट मी, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। उन्होंने 6:30 बजे वापस बुलाया है बाई द वे, और बोला है ना कि वो एक और टेलीस्कोप है, उससे हम जुपिटर और मून को देख सकते हैं। तो और चाय वाय भी इन्होंने बोला कैंटीन में इन्होंने सर्व कर रखा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, दोनों तरफ फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के बीच से आप वॉक लेते हुए इस जगह पे आते हो। मस्त वाला यहाँ पे चाय वाय पी लिए अच्छे से, और अब चलिए अगले डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ ऑब्जर्वेटरी से निकलकर चलते, एक लेक है वहाँ, बोटिंग वगैरह होता है, शाम का वक्त है। अभी आपको हमने दिखाया ना, वो बेसिकली आपको जवादू हिल्स के शुरू में ही मिल जाएगा। और रियल ब्यूटी तो अब शुरू हुई है। आपने कुछ ग्लिम्सेस देखा होगा, नैरो रोड, दोनों तरफ फॉरेस्ट एरिया है मस्त, लेफ्ट में वैली क्रॉस हो रहा है। हाँ, मतलब रास्ता है एकदम पतला और खूबसूरत सा, है ना। बस वही है कि आपको हॉन्ग कर करके यहाँ गाड़ी चलानी होगी, क्योंकि बहुत नैरो और कर्वी और विंडी रोड्स हैं, तो मतलब यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल यू नो ड्राइविंग थ्रू दीज रोड्स। पहुंचेंगे बोटिंग पॉइंट कुछ अराउंड ऑब्जर्वेटरी से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, है ना। सो आपने जैसा कि साइन बोर्ड पे देखा, विल बी गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड लेक में बोटिंग करने के लिए। और जैसा कि आपको देखने में एक एक्सपीरियंस वो मिल ही रहा होगा, बाकी तो मैं शेयर करूंगी। अमेजिंग कनेक्टिविटी के साथ आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है और मोटर बोट, पैडल बोट, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, स्पीड बोट भी है। हमने मोटर बोट सेलेक्ट किया है बेसिकली एंड हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे। ये पर पर्सन 100 रुपीज चार्ज करते हैं। तो आइए चलिए फटाफट आपके साथ एक बोटिंग एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। You're doing fishing. Wow, Vivan. So we are sailing houseful here. हम लोग काफी सारे लोग हैं on this motorboat and कुछ 10 मिनट्स की बोटिंग ये करवाते हैं और उसके बाद हम एक क्विकली ना पास में ही एडवेंचर पार्क था उसको एक्सप्लोर करने चले गए हम। एक्चुअली फॉर इंफॉर्मेशन सेक भी कि मतलब क्या है वाकई में अंदर, तो काफ़ी डिसेंट सा मुझे ये पार्क लगा। छोटा सा पार्क है, बहुत ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट इट वॉज लाइक दिस इज़ द फील ऑफ द प्लेस। तो थोड़े टाइम आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर यहाँ स्पेंड कर सकते हो। Thank you.
वापस के लिए निकल चुके हैं और जा रहे हैं टुवर्ड्स बैंगलोर। अब मस्त वाले कुछ अमेजिंग से रास्ते से होते हुए बैक टू आर होम। फिलहाल मेरा मस्त वाला स्वीट पोंगल का टाइम चल रहा है और एक खूबसूरत सा आम का बगीचा है। जो आम का एक खुशबू होता है ना कच्चे आम का, वो आ रहा है एंड इट्स अमेजिंग। छोटे छोटे आम गिरे हुए भी हैं सारे पेड़ों के नीचे, अगर आप देखोगे तो देखो ये देखो, पता नहीं लेकिन ये क्यों टूट के गिर जा रहे हैं इस तरह से, बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। वही वही तो गए इतने मेहनत से मुर्गा निड लिया, आपको क्या लगता है? पुराना प्यार है ये। सुबह शाम हो चुका है, सनसेट का टाइम है और हम थोड़ा आम का बगीचा एंजॉय करके और निकल पड़े हैं वापस बैंगलोर के टूवर्ड्स अपनी जर्नी में, है ना। और हम जवाधु हिल से नीचे आ चुके हैं बट स्टिल लाइक द व्यू इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए मेरे चारों तरफ आपको सिर्फ खूबसूरत ग्रीन वैली देखने को मिलेगा और वन डे आउटिंग के लिए बहुत अच्छा है जगह। इनफैक्ट आप ओवरनाइट यहाँ हॉल्ट भी कर सकते हो। वो जो मून रेस्टोरेंट था ना, वो बहुत अमेजिंग जगह है। उनके पीछे में ना ग्लास हाउसेज वगैरह भी थे, मैं मिस कर गई कैप्चर करना एक्चुअली। वो बोले 2500 रुपीज पर हेड में आप वहां पे जाके स्टे भी कर सकते हो, कैंपिंग वगैरह का भी उनके पास ऑप्शन है। तो मैंने तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। और चलिए चलते हैं, निकल रहे हैं बैंगलोर के तरफ। अमेजिंग आज का फन फील्ड डे रहा, मुझे तो ऑब्जर्वेटरी और बोटिंग करके मजा आ गया यार। यहाँ कुछ कुछ एक दो और व्यू पॉइंट है। एक बीमन फॉल करके जगह है जो हम नहीं कैप्चर किए क्योंकि सबने मना कर दिया, बोला अभी वहाँ पानी नहीं होगा। सो रेनी सीजन के आसपास या बाद में आने से ना दिस प्लेस इज हेवन। कुछ 4-5 वाटरफॉल्स हैं इस जगह पे, तो आप प्लान करो अपना देख करके कैसे भी, है ना। ईटरीज हैं, सब कुछ है यहाँ पे, कनेक्टिविटी अच्छी है, ईटरीज है, आपको पूरा टाइम नेटवर्क मिलेगा फोन पे, ऐसा नहीं है मिसिंग रहेगा। ये कुछ कुछ चीजें हैं, पेट्रोल बंक वगैरह, बहुत वेल कनेक्टेड एरिया है। और बड़ी सिटी जो यहाँ से पास में वो वेल्लोर है। चलिए फटाफट निकलते हैं अब इस जगह से, कुछ 80 किलोमीटर पे हम कृष्णागिरी हिट करेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेहनत कर करके हम ऐसे एक एक यूनिक प्लेसेस आपके लिए ला रहे हैं। तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेट कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं या रिटर्निंग व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, है ना। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, बाय। और आज के इस दिन में एक प्यारा सा और भ्रम टूटा हमारा, और वो ये है कि जो बचपन में हम देखते हैं ना टूटते हुए तारे और उनको देखकर विश मांगते हैं, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, स्पेस का कचरा होता है, मिटियोर होता है जो गिरता है जमीन की तरफ।